नगर परिषद मंडी के खिलाफ रेडी फेडी यूनियन ने शहर में प्रदर्शन किया। जेरी मंच में नगर परिषद तक रैली निकाली और नगर परिषद का घेराव किया। इस अवसर पर प्रदर्शन पर उतरे रेडी फेडी वालों ने नगर परिषद पर तानाशाही का आरोप लगाया। रैली को संबोधित करते हुए यूनियन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र ने कहा कि नगर परिषद बिना नोटिस दिए शहर में रेड़ियां उठा लेती है, जो कि उनकी तानाशाही पूर्ण रवैये को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अगर परिषद ने जो रेड़ियां शहर में पिछले दिनों उठाई हैं वह अभी तक वापस नहीं की हैं। साथ ही उन्होंने संबंधित कंपनी द्वारा रेड़ी फेड़ी वालों के लाइसेंसों पर गलत नाम दर्ज करने के आरोप भी लगाए हैं। हमने जो रेड़ी फेड़ी यूनियन ने एक मांग पत्र जो नगर परिषद कार्यकारी अध्यक्ष को दिया है, उस पर हमारी जो मुख्य मांग है, हमने मांग की है कि ये जो नगर परिषद द्वारा मई महीने में 1000 रुपये जो हमसे लिया गया है, वो जो लाइसेंस है वो आज तक भी जारी नहीं हुआ है, क्योंकि जो लाइसेंस की जो डेट है 1/6/2016 में हमें वो जारी होने थे, लेकिन अभी जो है 2019 आने वाला है, तो अभी तक जो हमें वो लाइसेंस जारी नहीं हुआ है। और दूसरा, जो नगर परिषद ने जो टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर जो फैसले हुए थे कि जो जिन लोगों का किराया अभी तक चाहे वो 6 महीने का चाहे वो साल का था, लेकिन उसको लेने की बात की थी, लेकिन आज तक वो भी नहीं ले पाया। और इसके साथ साथ हमारे ऐसे 3 एरिए हैं जहां इन्होंने नगर परिषद ने अपने मर्जी से उन एरियों से मतलब किराया लेना बंद कर दिया है। इस पे जो केनरा बैंक में 14 फड़ी हमारी लगती है, उन लोगों से किराया लेना बंद कर दिया है। हमारे को उस तरह की कोई सूची नहीं दी गई कि इस किराए को बंद कर दिया जाए। इसके साथ साथ जो HDFC चिमनी के पास है वहां से भी रेडी जो 3 अंडे मछली वाले कुछ रेडी वहां लगती है, उनको भी वहां से 5 मई को वहां से उठा करके लाए थे, लेकिन आज तक ऑलरेडी हमें वापस नहीं दी गई, हम वो भी मांग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा मतलब MLU की स्कीम जो 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण किया है, उस सफाई को लेकर के कि रेड़ी फेड़ीधारकों जो गंद होता है उसको कहाँ रखा जाए, तो हमने मांग किया कि जो डस्टबिन है उसको भी तुरंत हमारे को मुहैया करवाया जाए। और जो नगर परिषद ने जो मनमाने फैसले लिए उसको वापस लिया, अगर नगर परिषद द्वारा ही रवैया रहा तो रेड़ी फेड़ी अपना आंदोलन तेज करेगी, और ये जो कार ड्राइवर लाइसेंस है इसको अगर जल्दी नहीं देगी तो हम फिर से रेड़ी फेड़ीधारक लामबंद होंगे और नगर परिषद का घेराव करेंगे। नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने बताया कि रेड़ी फेड़ी यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आया था। उन्होंने बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल ने कुछ मांगे नगर परिषद के समक्ष रखी हैं, जिन्हें सरकार के समक्ष रखकर पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। नगर परिषद जो है वो लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए ही बनी है, और मैं रेड़ी फेड़ी यूनियन को ये आश्वासन देना चाहती हूं कि नगर परिषद हमेशा रेड़ी फेड़ी यूनियन के साथ खड़ी है, साथ खड़ेगी, क्योंकि सभी पार्षदों को जब भी हमारी मीटिंग होती है तो उसमें रेड़ी फेड़ी वालों का हमारा एजेंडा रहता है, तो बड़ी खुली चर्चा उसमें होती है, तो जो भी इनकी डिमांड है ये हम टाउन वेंडिंग जो कमेटी हमारी वो काफी समय से उसकी मीटिंग नहीं हो पाई है, तो मैं इनको आज ये आश्वस्त करती हूं कि जो भी इनकी डिमांड है उस वाली मीटिंग में हम रखेंगे, एजेंडा वाइज रखेंगे, और नगर परिषद इनकी जो भी डिमांड है वो हम उस मीटिंग में हल करने वाले हैं, क्योंकि उस मीटिंग में रेडी फड़ी के लोग भी रहते हैं और पूरे शहर से जो भी चुने हुए लोग हैं वो भी होते हैं हमारे, और तो मैं इनको आज यही आश्वासन देना चाहूंगी कि रेड़ी फड़ी यूनियन की जो भी डिमांड होगी सरकार के ध्यान में वो सारी बात मैं लाऊंगी और इनकी सारी समस्याओं का हल करने का पूरा प्रयास करूंगी।